हेलो फ्रेंड्स, ये है हांजी खड़के वस्ते ब्रिज और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह। फिर हाजिर हूँ हांजी खड़ से कुछ नई जानकारी, नए अपडेट्स लेकर। ये जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेगमेंट नंबर 3 जो पहला केबल फ्री सेगमेंट है वो लॉन्च हो चुका है और उसके लॉन्च होते ही उसके बोल्टिंग टॉर्किंग का काम पूरा हो चुका है और उसके पूरे होते ही ये 200 मीट्रिक टन की सेमी कैंटिलीवर गोलियत जो है इसको लास्ट सेगमेंट के एंड तक शिफ्ट करना पड़ता है ताकि इसका कैंटिलीवर जो है वो सेगमेंट से बाहर चला जाए ताकि आगे आने वाला जो नया सेगमेंट है उसको लॉन्च किया जा सके। तो देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये गोलियत जो है ब्रिज के एंड तक पहुंच गई है और ये फैब्रिकेशन यार्ड है और ये ट्रैवलर भी यहाँ पे पहुंच चुका है सेगमेंट नंबर 2 को फैब्रिकेशन सेट से ब्रिज के एंड तक ले जाने के लिए। और ये फैब्रिकेशन सेट जो डिसमेंटलिंग का जिसका काम हो रहा है और ये MA1 पेयर का फाउंडेशन बेल का रिंग है, टॉप रिंग है, इसके ऊपर कुछ एक स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। 2 नंबर सेगमेंट के लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है और यहाँ पे कामगार एक छोटा सा स्ट्रक्चर, प्रिकॉशनरी स्ट्रक्चर जिसको कहा जा सकता है, वो लगाया जा रहा है क्योंकि सेगमेंट नंबर 2 का लॉन्चिंग के बाद केबल का सेकेंड स्टेज स्ट्रेसिंग जो है उसका काम होना है। तो इस काम को करने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, उसकी वजह से ये एक टेम्परेरी प्रिकॉशनरी रेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण किया जा रहा है ताकि अगर सेकेंड स्टेज केबल स्ट्रेसिंग में कुछ वक्त लगता है तो उस दौरान कुछ जैक्स की हेल्प से ब्रिज को उठाया जाए, ब्रिज को लिफ्ट अप करके सेगमेंट नंबर 1 को लॉन्च कर लिया जाए। तो दोस्तों ये देखिए आप तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं सेगमेंट नंबर 2 जो है वो फैब्रिकेशन से उठ चुका है, लिफ्ट अप हो चुका है और ये ट्रैवलर पे लोड हो रहा है। और ये अपने सफ़र की तैयारी कर रहा है। ये देखिए रोमांचित करने वाला दृश्य जो है इसको टर्न अराउंड कर लिया गया है। और दोस्तों इस सेगमेंट के विषय में बहुत सारी खास जानकारियाँ, विशेषताएं हैं, इसकी अपनी विशेषताएं हैं और ये सेगमेंट नंबर 1 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये भी असेंबल हो चुका है, फाइनल टॉर्किंग इसका बाकी है और सेगमेंट नंबर 2 जो है वो आपके सामने लोड होकर ये अपने सफ़र पे निकल चुका है और यहाँ से इसका सफ़र शुरू हो गया है। ये आप तस्वीरों में इसकी गवाही दे सकते हैं कि सेगमेंट नंबर 2 जो है वो 96 केबल्स के बीचों बीच 450 मीटर की दूरी तय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और ये सेगमेंट नंबर 2 जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही खास होने वाला है, इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं और इसका जो लॉन्चिंग है उसकी क्रिटिकलिटी के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा ब्रीफ है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है और ये लंबा होने की वजह से आप इसको छोड़कर ना जाएं क्योंकि इसमें बहुत ब्रीफली मैं
एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो नंबर सेगमेंट अंजी खड ब्रिज, और ये देखिए ये सेगमेंट, ये जो टेम्परेरी रेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसको भी फाइनल टच किया दिया जा रहा है। और सेगमेंट नंबर दो जो है उसने भी आधा रास्ता तय कर लिया है, और देखते ही देखते ही ये अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पूरी टीम इसके आगे पीछे लेकर चल रही है। और ये बहुत ही शान से सारी केबलों के बीचों बीच दनदनाते हुए एकदम अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हुआ है, और बहुत एक्साइटेड है ये टीम आज इस सेगमेंट नंबर दो को लॉन्च करने के लिए। सारी मैकेनिकल, सिविल, सर्वे, फैब्रिकेशन सब अंजीखड केबल स्टे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन कंपनी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की पूरी एग्जीक्यूशन टीम जो है आज इस सेगमेंट के सफ़र में, सेगमेंट के लॉन्चिंग के लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत ही रोमांचित भी है, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट है जिसका लंबाई जो है वो 10 मीटर है, और सेगमेंट नंबर एक जो है वो 10 मीटर का नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सेगमेंट लगते ही मेन स्पैन की लेंथ जो है वो 270 मीटर हो जाएगी, और मेन स्पैन की जो लेंथ है वो टोटल 272.5 मीटर है। तो आगे ये सेगमेंट लॉन्च होते ही इसका जॉइंट होते ही ये जो अंचीखड केबल स्टे ब्रिज का मेन स्पैन जिसकी लेंथ 272.5 मीटर है, तो उसका मात्र 2.5 मीटर ही बचेगा। तो लास्ट सेगमेंट जो है, नंबर एक सेगमेंट जो है वो मात्र 2.5 मीटर लेंथ है उसकी। और ये देखिए ये अपने गंतव्य, ये अपनी मंजिल तक सेगमेंट पहुंच रहा है। सेमी कैंटिलीवर गोलियत के नीचे तक, इनके हुक तक ये पहुंच रहा है, और इसके निकलते ही सर्वे टीम सर्वे की तैयारी में लगी हुई है, और पूजा की सामग्री भी आ गई है, और नारियल छीलने का काम भी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जब तक ये सर्वे का काम पूरा होगा तब तक पूजा का काम भी कर लिया जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये अपनी जगह पर पहुंच गया है, और ये लोकेशन पर पहुंचते ही सर्वे की टीम, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की सर्वे की दो टीमें, देखिए ये बहुत सावधानी से करने वाला काम है, किसी भी काम को किसी भी स्टेज पे कैजुअली नहीं लिया जाता है। और ये इंजीनियर्स देखिए तस्वीरों में आपस में सारे पहलुओं पर चर्चा करते हुए, और ये आपस में इन्होंने कुछ चर्चा कर ली, और यहाँ पे दूसरी टीम भी बिल्कुल एकदम सामने जो है वो इसके ये जो सेमी कैंटिलीवर गोलियत है इस पर कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं सर्वे के लेवल्स के लिए, तो यहीं से सारे लेवल्स चेक किए जाएंगे। और दोस्तों ये पूजा का काम शुरू हो रहा है, और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य प्रबंधक, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंचार्ज मिस्टर अजय कुमार पसीने हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और ये पूरे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम जो है, एग्जीक्यूशन का काम जो है, इनके कुशल नेतृत्व में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की एग्जीक्यूशन टीम के द्वारा बखूबी निभाया गया है। और दोस्तों
साइंस अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, तकनीकी कुशलता अपनी जगह है, लेकिन भगवान के ऊपर भी पूरी श्रद्धा के साथ देखिए किस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा के साथ सारी परंपरा को निभाया जा रहा है। और ये बहुत ही काबिल इंजीनियर हैं और कुशल प्रबंधक हैं। इनके साथ कोंकण रेलवे के कुछ अधिकारी भी पूजा में शामिल हुए और यहाँ पे इसका फ्रेंड्स आपको देखने में ये सेगमेंट जो है कुछ खुला खुला सा, खाली खाली सा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता ये आती है कि एनजी खड केबल स्टे ब्रिज में लगने वाले जितने भी सेगमेंट थे उसमें से ये सबसे भारी सेगमेंट था और ये वजन में सबसे भारी सेगमेंट है। ये इसकी खास विशेषता है, इसलिए ये खाली खाली दिख रहा है, क्योंकि इसके साथ लगने वाले डायगोनल को सेगमेंट नंबर एक में छोड़ दिया गया है और इसके ऊपर लगने वाले वॉकवे के और यूटिलिटी डक्ट्स के प्लेटफॉर्म जो थे उनको भी इसके ऊपर नहीं लगाया गया है, ताकि इसका वजन जो है वो कुछ कम किया जाए, क्योंकि इसका वजन जो है फ्रेंड्स ये 185 मीट्रिक टन है और अगर इसके ऊपर यूटिलिटी डक्ट और प्लेटफॉर्म और डायगोनल्स सारे लगा दिए जाते तो ये 200 मीट्रिक टन से इसका वजन ऊपर हो जाता और ये जो 200 मीट्रिक टन की सेमी कैंटिलीवर गोलियत है इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इसका वजन हो जाता या इसके आसपास ही हो जाता। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं या किसी भी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं वो तो जानते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट का जो है वो उसका यूटिलाइजेशन उसकी फुल कैपेसिटी में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं तो इनकी कैपेसिटी जैसे इसकी 200 मीट्रिक टन कैपेसिटी है तो इसकी मैक्सिमम जो है इसका यूटिलाइजेशन 90% 90-95% तक हम सेफ इसका लिफ्टिंग को मान के चलते हैं, क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट को नेक टू नेक यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। जो लोग इस कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं उनको तो इस बात का अनुभव है, लेकिन जो लोग कंस्ट्रक्शन से बाहर के हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम हम 95 जो फुल कैपेसिटी इक्विपमेंट की होती है उसका 95% ही यूटिलाइजेशन इसमें अलाउ किया जाता है, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर रखा जाता है। और ये जो सेगमेंट है ये अपने गंतव्य तक पहुंच रहा है, गोलियत से बाहर निकल आया है, सेमी कैंटिलीवर पे चला गया है और आपके सामने वही रोमांचित कर देने वाला दृश्य जो है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अलग अलग एंगल से, फ्रंट से, बैक से, बॉटम से इसका मैं व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही है और ये देखिए ये अभी बिल्कुल बाहर आ गया है और थोड़ा सा आज दोस्तों हवाएं भी अंजी खड में बहुत तेज़ हैं और हवाओं की वजह से थोड़ा सा इसमें ये देखिए थोड़ा सा टिल्टिंग आ रहा है, इसमें ये हिल रहा है और ये देखिए ये वो दृश्य
जो इसका टर्न अराउंड का है ये शुरू हो चुका है और इसका आप आनंद लीजिए। फ्रंट से, बैक से, बॉटम से, सब एंगल से दिखाने का कोशिश किया है फ्रेंड्स। और ये जो सेगमेंट नंबर 2 है इसको इरेक्ट होते ही जो इसके सामने पियर है MA1 मेन एविटमेंट 1 जिसका नाम दिया गया है उसके और ये एनजी खड ब्रिज के बीच में मात्र 250 mm 25 सेंटी का फर्क मतलब 1 फुट से भी कम का गैप रहेगा क्योंकि जो सेगमेंट नंबर 1 है वो 2.5 मीटर का लेंथ है जिसका, तो उसका जो है वो पियर के ऊपर उसको रेस्ट होना है। और ये देखिए ये टर्न हो चुका है, अभी इसका लोरिंग कुछ ही देर में आपकी आंखों के सामने धीरे धीरे इसका लोरिंग भी हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपने बहुत सारे फ्रेंड्स ने जानना चाहा है कि इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सेगमेंट नंबर 2 के लगने के बाद इस ब्रिज का जो है वो सेकंड स्टेज केबल स्ट्रेसिंग होगा, उसमें भी कुछ उसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है क्योंकि पूरी 96 केबल्स का सेकंड स्टेज स्ट्रेसिंग होगा और इस ब्रिज को लिफ्ट अप किया जाएगा। ये ब्रिज काफ़ी केबल्स की वजह से ये बहुत फ्लेक्सिबल है और इसको अपने लेवल पे लाने के लिए इसका 3-4 स्टेज में स्ट्रेसिंग होना है, जिसका जो फर्स्ट स्टेज में स्ट्रेसिंग हुआ है उसके बाद ये कंप्लीट सेगमेंट लॉन्चिंग के बाद इसको सेकंड स्टेज स्ट्रेसिंग होना है। सेकंड स्टेज स्ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद इसका सेगमेंट नंबर 1 जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो है वो स्टील का काम किया जाएगा, स्टील का और रेनफोर्समेंट बांध कर इसमें कंक्रीट स्लैब जो है वो किया जाएगा और ये सेगमेंट नंबर 2 आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। और ये बॉटम का दृश्य देखिए, बॉटम से इस प्रकार से ये दिखता है और थोड़ी ही देर में ये मैचिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और दोस्तों ये जो है मेन स्पैन जो है ये कंप्लीट होने में मात्र 2.5 मीटर का फासला है और ये जो टेम्परेरी इसका रेस्टिंग के लिए जो एक स्ट्रक्चर फैब्रिकेट किया गया है फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ब्रिज ये सेगमेंट नंबर 2 जो है वो इस पर रेस्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर रेस्ट नहीं करेगा। इसको मात्र इसके लिए लगाया गया है कि अगर हमारी स्ट्रेसिंग में कुछ ज़्यादा वक्त लगता है तो उस कंडीशन में हम ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर जैक्स लगाकर इस सेगमेंट को इस ब्रिज को लिफ्ट अप करके अपने सेगमेंट नंबर 1 को मैच करा के इसको लॉन्च कर लिया जाएगा। इसलिए काम को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। और ये देखिए ये ब्रिज जो है ये सेगमेंट जो है ये आपकी आंखों के सामने बस कुछ ही देर में मैच होने वाला है। ये देखिए ये मैचिंग पॉइंट है और ये जो फ्रंट लाइन
वर्कमैन है, फ्रंट लाइन एग्जीक्यूशन टीम है, ये अपनी जगह पर पहुंच गई है, अपने अपना मोर्चा सब ने संभाल लिया है और इसको जैसे ही ये मैचिंग पॉइंट, ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी आंखों के सामने है, ये ऑलमोस्ट मैच हो चुका है और ये जो पियर है MM1 पियर, उससे मात्र 250 mm की का फासला इसको बचा है टच होने के लिए, और ये फासला सेगमेंट नंबर एक लॉन्च होने तक ये फासला बरकरार रहेगा। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बस अभी कुछ ही पलों की देर है, ये देखिए एक एंड जो है इसका मैच हो चुका है, ये 2 इंच का फासला है और ये ऐसा देखने में दृश्य बनेगा। ये बैक साइड रियासी साइड है और ये दूसरी साइड, ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैच होता है इसको मतलब कुछ पल की भी देरी नहीं की जाती है, ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, ये जो फ्रंट लाइन की वर्कमैनशिप है, इन्होंने देखिए सप्लाई स्प्लेट को, टॉप की सप्लाई स्प्लेट को इस पे इरेक्ट करना चालू कर दिया है। और अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्लियर व्यू दिखेगा, ये कटरा एंड से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, इतना सा गैप बचा है। और ये देखिए बेयरिंग का जो पोजीशन है उससे ये सेगमेंट का हाइट जो है वो थोड़ा सा कम बचा है, इसीलिए वो जो स्ट्रक्चर, टेम्परेरी स्ट्रक्चर एक बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि अगर ये टाइमली लिफ्टअप हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर टाइमली लिफ्टअप नहीं हो पाता है तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ में लाया जाएगा।